लिसारे गेट के फातिमा गार्डन में 8 टुकड़ों में मिला था महिला का शव, नहीं हो सकी स्नान। जी हाँ, आपको बता दें, लिसारे गेट थाना क्षेत्र के फातिमा गार्डन में 8 टुकड़ों में मिली महिला के शव की पहचान 2 दिन बाद भी नहीं हो सकी। ऐसे में पुलिस ने श्याम के दावे को आधार बनाकर मृतक महिला और उसके कथित माँ बाप का DNA टेस्ट कराने का फैसला लिया है। महिला के कथित माँ बाप बलिया में रहते हैं, ऐसे में उन्हें मेरठ बुलाकर सैंपल लेने की जिम्मेदारी SSP ने इंस्पेक्टर प्रशांत कपिल को सौंपी है। दरअसल सोमवार की शाम को लिसारे गेट में एक महिला के शव के टुकड़े प्लास्टिक के बोरे में मिले थे। पुलिस ने शव के टुकड़े को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पुलिस शव की शिनाख्त में लगी थी, लेकिन इसी बीच मूल रूप से बलिया का रहने वाला श्याम मंगलवार को लिसारे गेट थाने पहुंचा था और उसने मृतका को अपनी पत्नी बताया था। उसने अपनी पत्नी के परतापुर के शताब्दी नगर में रहने वाले राजू के साथ अवैध संबंध होने की बात भी कही थी, जिसके बाद बकायदा SAC ने श्याम से 2 घंटे तक पूछताछ भी की थी। वहीं पुलिस ने राजू को हिरासत में लेने के लिए दबिश भी दी, लेकिन वह हाथ नहीं आ सका। पुलिस ने राजू के परिवार और उसके दोस्तों से पूछताछ की तो वह भी कुछ नहीं बता सके। दरअसल पुलिस ये चाह रही थी कि राजू पकड़ में आ जाए तो श्याम के दावे की हकीकत सामने आ सके। ऐसे में श्याम द्वारा मृतक महिला को पत्नी बताने के दावे के बाद SSP अजय साहनी ने इंस्पेक्टर प्रशांत कपिल को निर्देश दिए हैं कि वह मृतक महिला और उसके कथित माँ बाप का सैंपल लेकर DNA टेस्ट के लिए लखनऊ भेजे। ऐसे में बलिया से उन्हें मेरठ बुलाने की तैयारी चल रही है। श्याम के दावे के अनुसार मृतक महिला का उसके कथित माँ बाप से DNA मिलान कराया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।